बहुत अच्छा लगता है आई थिंक जब हमने ये फिल्म स्टार्ट करी थी आई एम श्योर sure सबको ये पता था कि कुछ अच्छा और कुछ मैसिव भी होने वाला है um, ये नंबर्स मैंने कभी सोचे नहीं थे बट इट मेक्स मी फील वेरी गुड एंड आई फील वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक जवान आई फील वेरी फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक जवान एंड आई कैन ओनली से दैट I know for a fact that only good things आई coming my way after. Was was that the first one? मुझे पता नहीं है first one थी या नहीं थी वहाँ तो छः बजे से लोग आ, फिल्म देख रहे थे जब मैं पहुँची तो लोग बैंड, बाजा, बैंड बाजे लेकर नीचे खड़े हुए थे और फर्स्ट फर्स्ट डे बारह बजे का शो मैंने गेटी में देखा और मैं पीछे बैठी हुई थी और जिंदा बंदा शुरू हुआ तो सब अपनी सीट से उठ गए क्यों अब मेरा मैंने जब पहली बार देखी थी मेरा बहुत मन था क्योंकि वो गाना ऐसा है कि आप बैठ नहीं सकते हो आप आपको खड़े होकर मन करता ही है डांस करने का तो जहां मैं देख रही थी पहली बार तो मैं खड़ी नहीं हो पाई मैं बड़े सीरियसली फिल्म देख रही थी और बड़े मजे भी आ रहे थे एक्चुअली सीरियसली नहीं मैंने बहुत सीटियां मारी और वो दिन मेरे को बहुत इतना मजा आया ऑडियंस के साथ मैंने डांस किया मैं पीछे खड़ी हुई थी पर मैं डांस करी थी और बाकी सबको डांस करते हुए देख के इट्स सच एन आइकॉनिक सॉन्ग अ फिल्म एंड टू बी अ पार्ट ऑफ इट इट वाज वेरी सॉरी पर वो वो, वो उन घंटों के लिए आप भूल जाते हो कि आप एक्टर हो और आप इस फिल्म में हो आप एज एन ऑडियंस देखते हो मेरे लिए आई थिंक आई हैव फाउंड अ वेरी स्पेशल बॉन्ड एंड फ्रेंडशिप विद माय फाइव गर्ल्स प्रिया मनी लहर संजीता आलिया गिरिजा I think I हैव फाउंड अ वेरी डीप फ्रेंडशिप विद दम क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत समय बिताया है ऑन सेट एंड ऑफ सेट मज़े करते हुए और सीन्स करते हुए आई थिंक दे आर ऑल वंडरफुल परफॉर्मर्स फिल्म में मुझे शाहरुख सर के साथ काम करने का मौका मिला जो मेरा बचपन का सपना था और उन्हीं का एक डायलॉग है कि आप जिस चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने में लग जाती है एंड आई सो टोटली बिलीव इन एट आई फाउंड अ वेरी ओल्ड वीडियो ऑफ मी डांसिंग और मित्वा जो मैंने दंगल के दौरान कहीं शूट करी थी नितिश सर के साथ और मुझे लगता है कि आप सच में दिल से जो चीज़ चाहो आपको मिल जाती है और ये शायद मैंने कभी ना कभी चाह होगा कि मैं मुझे इनके साथ फिल्म मिले और इतनी अच्छी मिलेगी वो मतलब मेरी इमेजिनेशन से भी पार था नॉट ओनली दैट टू वर्क विद एटली सर टू वर्क विद नैन तारा मैम आई थिंक आई फील वेरी फॉर्चुनेट Uh, कि मुझे ये मौका मिला बहुत बड़ी बात है एज आई सेड बचपन का सपना मेरा सच हुआ है uh, मैं उनको देखती थी स्क्रीन पे uh, उनको परफॉर्म करते हुए अपने सामने देखना वॉज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी आई गॉट टू लर्न सो मच तो मैं हमेशा जब भी उनके आसपास रहती थी तो मैं सिर्फ उन्हें नोटिस करती थी कि वो कैसे अपने आप को कंडक्ट करते हैं क्योंकि उनसे आप कितना कुछ सीख सकते हो नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग बट द वे ही इज आई थिंक ही इज़ सो हम्बल सो नाइस टू एवरी वन अराउंड हिम एंड ही इज़ शाहरुख खान बिकॉज ही इज़ द वे ही इज आई थिंक उनको इतने लोग उनको प्यार करते हैं और इतनी रिस्पेक्ट देते हैं उसका कारण यही है कि वो बहुत ही अच्छे एक्टर और बहुत उससे भी अच्छे इंसान हैं